मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के गांव देवी इलाके के झुपड़पट्टी में जो बीच का रास्ता है, उस रास्ते का अभी आधा अधूरा काम हुआ है। आधा काम हुआ है और ऐसे आधा रास्ता वैसे ही पड़ा हुआ है, मगर जो आधे रास्ते का काम हुआ है और 2 से 3 चौल कॉन्क्रीट हुई है, उसके संबंध में सुनीता ताई सातपुते और पल्लवी शिवा जगताप का स्थानीय लोगों ने सम्मान सत्कार किया है। इनके कामों को लोगों ने काफ़ी सराहा है, मगर वहीं दूसरी तरफ जो आधा रास्ता अभी वैसे ही पड़ा है, उसका काम नहीं हुआ है, गटर खुले हुए हैं और यहाँ पर मलबे वैसे ही पड़े हुए हैं। लोग अब इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस आधे रास्ते का काम कौन करेगा। वहीं सम्मान सत्कार के बाद पल्लवी शिवा जगताप ने बताया कि हमारे पास जितनी निधि थी उतना काम हमने कर दिया है। हालांकि काम पूरे रास्ते का होना चाहिए था, मगर हमें जितना बजट मिला था हमने उतना काम किया है। बाकी के और 3 नगर सेवक हैं, हो सकता है कि ये काम वो करें। अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो फिर ये रास्ते का काम हम पूरा करके लोगों को देंगे। आपको बता दें कि रात के समय में इस गांव देवी इलाके का जो रास्ता है, यहाँ पर गटर नाले खुले हुए हैं और जो टूटे हुए मलबे हैं वो रास्ते में पड़े हुए हैं। अक्सर यहाँ पर लोग गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनमें अक्सर गिर जाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आधा काम हुआ है और आधा काम अभी आधा अधूरा बाकी है। आधा काम करने पर एक तरफ पल्लवी शिवा जगताप और सुनीता ताई सातपुते का सम्मान सत्कार तो स्थानीय लोगों ने कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरे तरफ का जो आधा रास्ता है, जो गलियाँ हैं, उसका काम अभी वैसे ही पड़ा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये काम कौन करेगा। आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दरअसल क्या कार्यक्रम था? ये हमने जो अभी अभी जो गली का काम किए, जो वो 5 साल से लोग हमको इस काम के लिए हमारे पीछे पड़े थे, लेकिन हमको इधर उधर और काम इसमें रह गया था ये काम, तो ये काम हमने अभी किया है और उसके लिए खुश होके, ये काम अच्छा हुआ है तो खुश होके लोगों ने हमारे सत्ता रखा है। कौन कौन से चार में काम? ये अभी अभी जो काम हमने किए, ये कदम चाली का बीच का जो रास्ता है, मेन दो चाली के बीच का बड़ा रास्ता, और मुकेश जहाँ रहता है, मुकेश गायकवाड़, वो गली का काम अभी हुआ है। लेकिन वो काम थोड़ा लोगों को ज्यादा अच्छा लगा है, इसकी खुशी में लोगों ने कार्यक्रम रखा है। पल्लू जी, 2 चाली का काम हुआ है, ये गली का रास्ता, इसका भी काम हुआ है, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जो मेन गली का रास्ता है ये आधा काम अभी आधा अधूरा पड़ा है, गटर भी खुले हैं, उसमें बच्चे गिर भी रहे हैं, तो आखिर ये काम क्यों रुका हुआ है? ये जो काम हुआ है वो एक गली नहीं है, ये एक मेन रोड है जहाँ से लोग आते जाते हैं। ये इतना बड़ा रास्ता है कि यहाँ से एक 3-व्हीलर पास हो सकती है, रिक्शा पास हो सकती है, तो उसके लिए हम लोगों ने काम लिया। रहा सवाल आधे काम का, तो प्रभाग सुधारणा निधि से हम लोगों ने फाइल बनाई थी, तो हमें जितना मेजरमेंट हमारा उसमें फिलहाल बैठा है उतना हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पर 4 नगर सेवक है, अगर आगे का काम नहीं होता है तो आने वाले समय में आवाड़ साहब से बात करके और निधि लाके जो कुछ गिने चुने काम बचे, क्योंकि देखिए गांव देवी में बहुत ज्यादा काम हो गया है। ये मैं का जो ये शादी के बाद में जो मेन रास्ता है, इसका आपको आधी गली का फाइल मिला था? हाँ, ये आधी गली का, क्योंकि प्रभाग सुधारणा निधि के अंतर्गत हम लोगों ने ये काम किया था, तो वहाँ पर हम लोग 5 लाख या 10 लाख इसके ऊपर फाइल नहीं बना सकते, तो ये जितना मीटर उसमें बैठ रहा था उतना अच्छे से काम हो गया है। यहाँ के लोगों को खुशी हुई है कि उनका काम इतने अच्छे तरीके से हुआ है। बचा हुआ काम है वो और भी 3 नगर सेवक है, शायद उनके पास वो काम हो सकता है। अगर उनके तरफ से काम नहीं होता है, वो हमारे ही पार्टी के नगर सेवक है, तो हम लोग आवाड़ साहब से बातचीत करके निधि लाकर हम ये काम पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ गिनी चुनी गलियां ही ऊपर गांव देवी में बची है जो काम अभी करने बाकी है। मैं देखा यहाँ के जो गली का काम हुआ है, मेन गली है, जैसे कि छोटी छोटी गलियाँ हैं उनको जोड़ने का एक बड़ी गली का एक रास्ता बना है, जिसका काम अभी अच्छे से हुआ है और वो काम एक हिस्सों में बचा हुआ है 4 नगर से, जैसे यहाँ का काम हुआ है, पीछे का काम चालू है और फिलहाल मंत्री साहब के आवास साहब के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है उसमें विधानसभा उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे बचा हुआ काम है छोटा मोटा जिसकी वजह से बचा है जो भी है, तो बाकी के नगर सेवक को मिलकर
और साहब के मार्गदर्शन में उनसे बात कर मैं वो बाकी का काम पूरा करने की कोशिश कराऊंगा।